हेलो गाइज, हम आज के अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एंड आज का जो व्लॉग होने वाला है गाइज बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो है राजधानी जयपुर में सिटी पार्क का। एंड आप बैकग्राउंड में देख ही पा रहे होंगे कि इसकी रौनक धोनक बड़ा ही शानदार पार्क है। इसकी एक और खास बात जो है वो ये है कि लाइटिंग वगैरह में इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, तो एज ए फॉरेन पार्क की हमको फीलिंग आने वाली है। एंड यू ऑल्सो चेक इट, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड अभी हम इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। अंदर जाने के बाद थोड़ा सा व्यू मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ। देखिए ये जो मेन गेट था, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस पार्क का। एंड फाउंटेन वगैरह मिला के इसकी खूबसूरती में चार चांद और ऐड कर देते हैं। यह है इसके अंदर एक और सेल्फी पॉइंट आप जिसको बोल सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है ये नज़ारा। यदि आप इसको दिन में देखेंगे तो शायद आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको रात में मज़ा आएगा। तो क्राउड देख सकते हैं आप इसके आगे, तो काफ़ी खूबसूरत है ये नज़ारा भी इसके अंदर। लोकेशन एंड टिकट के बारे में मैं आपको यहां से बता देता हूं कि इसकी टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। एंड इसकी लोकेशन जो है वो मानसरोवर के अंदर है, जयपुर के अंदर। एंड दूसरी जो बात वो है वो ये है कि इसकी टिकट जो है वो पहले फ्री थी, लेकिन अभी फिलहाल इसकी टिकट है वो 20 रुपये कर दी गई है। तो ये है इसका छोटा मोटा व्यू। इसके ग्राउंड की यदि मैं बात करूं तो वो समतल नहीं रखा गया है, इसको उबड़ खाबड़ रखा गया है। कहीं पे ऊंचाई दी गई है, कहीं पे ढलान है, कहीं पे कुछ है, तो मतलब समतल नहीं रखा गया है। ओवरऑल यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। सेव द ट्री का इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टैचू बनाया गया है एज ए पेड़ को संरक्षित करता हुआ। ये एक शानदार मैसेज है सिटी पार्क के इस स्टैच्यू द्वारा। सिटी पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगाता है ये इंडियन फ्लैग, जिसकी ऊंचाई 213 फीट है। मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचाई पे जो राष्ट्रीय फ्लैग लहरा रहा है वो यही है, जो कि मानसरोवर के सिटी पार्क में स्थित है। Thank you.
टिकट की यदि मैं बात करूँ तो काफी अफोर्डेबल प्राइस है इससे पार्क के व्यू वगैरह को देख के, एंड साथ में सेल्फी जो पॉइंट है वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा दिए गए हैं। जहाँ देखो वही हर एक बंदा सेल्फी क्लिक करने के लिए लगा है, तो काफी अच्छा पॉइंट है ये सेल्फी वगैरह शूट करने के लिए। टोटल एरिया की यदि मैं बात करूं इसकी तो ये 52 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, एंड काफी खूबसूरत नज़ारा है इसका। लेकिन फर्स्ट नंबर पे ये अभी भी नहीं है, फर्स्ट नंबर पे अभी भी सेंट्रल पार्क ही है। लेकिन खूबसूरती के मामले में, व्यू के मामले में ये प्रभात पार्क से या फिर सेंट्रल पार्क से ऊपर रखता है। यदि फेज टू की मैं बात करूं तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ दिनों बाद इसका फेज टू भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा, जो इसकी खूबसूरती में 2-4 चांद और ऐड कर देगा। ये है स्पाइरल ट्रीज जो काफी खूबसूरत दिख रहा है। एक और सेल्फी जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये वाला सेल्फी पॉइंट मुझे काफी खूबसूरत लगा, जिसको अब मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सेव द ट्री का एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। काफी खूबसूरत मैसेज है ये भी सिटी पार्क के द्वारा, कि हाथों के द्वारा इस पेड़ को संरक्षित किया जा रहा है, तो ये अच्छा मैसेज है। ट्रैक के पास जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है, उन्हीं के साथ साथ म्यूजिक की व्यवस्था भी है। ये आप देख सकते हैं कि इनके साथ साथ म्यूजिक भी बज रहा है इनके अंदर। तो गाइज ये था सिटी पार्क, मैंने आपको पूरा व्यू दिखा दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्या क्या कमी रही, क्या क्या खूबी आपको इसके अंदर लगी, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड एक ओरिजिनल रिव्यू दीजिएगा। काफ़ी मेरी तरफ से सिटी पार्क काफ़ी खूबसूरत है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।